दोस्तों मैं पिछले 25 दिन से अपने OnePlus 11R में ऑक्सीजन OS 14 का बीटा वर्जन यूज कर रहा हूँ और अभी तक दोस्तों मुझे एक अपडेट भी मिला है बीटा वर्जन में। और सारे दोस्तों मैं प्रोज एंड कॉन्स लिख के लाया हूँ कि इस बीटा वर्जन में क्या क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं और क्या आपको ये बीटा वर्जन अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत दिन के बाद दोस्तों वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन था तो इसके पहले दो वीडियो मैंने ऑक्सीजन OS 14 के ऊपर बनाई थी, लेकिन ये जो वीडियो है दोस्तों ये पूरा डिटेल में होने वाला है कि क्या क्या चेंजेस हमें ऑक्सीजन OS 14 में देखने को मिले हैं और कुछ दो चार प्रॉब्लम्स जो मुझे फेस हुए हैं। तो ये दोस्तों एक ऑक्सीजन OS 14 का बीटा वर्जन है, ये एक स्टेबल वर्जन नहीं है। तो जो एक बीटा वर्जन में प्रॉब्लम्स होती है वो ऑब्वियसली हमें देखने को मिलती है, लेकिन अगर दोस्तों चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चेंज दोस्तों जो मुझे नोटिस हुआ है वो है इसका ओवरऑल लुक। अगर दोस्तों आप लॉक स्क्रीन की बात करें, होम स्क्रीन की बात करें, फॉन्ट्स की बात करें, स्टेटस बार की बात करें या फिर सेटिंग्स के मेनू की बात करें, सब कुछ दोस्तों पहले से चेंज हो चुके हैं। जो स्टेटस बार है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है और ओवरऑल दोस्तों अभी थोड़ा पॉलिश्ड लुक, थोड़ा आप कह सकते हैं ओप्पो वाली फीलिंग अभी आने लगी है। और मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि जो एक्वामॉर्फिक डिजाइन जो OnePlus ने पहले कहा था कि ऑक्सीजन OS 14 में आएगा वो थोड़ा बहुत जो कलर OS है उसकी तरह रेजेंबल करने वाला है। तो अगर दोस्तों आप इसका बीटा वर्जन देखे, जो ऑक्सीजन OS 14 का बीटा वर्जन आया है, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि थोड़ा हल्का फुल्का जो ऑक्सीजन OS है वो ओप्पो के कलर OS की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जो UI चेंजेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ओवरऑल लुक की बात करें वही सब चेंजेस हुए हैं और सेटिंग्स में थोड़ी बहुत मेन्यू इधर उधर चेंजेस आई है और उसके अलावा दोस्तों कोई खास चेंज है नहीं लुक के मामले में। और अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी दोस्तों लगभग पहले जैसी है, मुझे कोई भी दिक्कत परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिली है। अगर दोस्तों हम हीटिंग की बात करें तो पहले मैंने OnePlus 11R के बारे में कहा था कि कभी कभार हाई परफॉर्मेंस टास्क में अगर मैं एडिटिंग करूं या फिर बहुत देर तक कैमरा यूज करूं जो फोन है वो हीट हो जाता था, लेकिन अभी तक दोस्तों बीटा वर्जन होने के बावजूद मेरा फोन जो है OnePlus 11R वो बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है और बढ़िया से चल रहा है, ना कोई मुझे थ्रॉटलिंग इशू देखने को मिली है ना फिर हीटिंग इशू मुझे कोई भी देखने को मिली है। अगर दोस्तों बैटरी लाइफ की बात करें तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मुझे अराउंड दोस्तों 5G में 5.5 से 6.5 घंटे का स्क्रीन रन टाइम देखने को मिला है। और अगर मैं दोस्तों वाईफाई के साथ बोलूं तो वाईफाई में मुझे 6 से लेकर 7 घंटे तक का स्क्रीन रन टाइम देखने को मिला है। तो बैटरी लाइफ भी दोस्तों पहले जैसी थी अभी भी वैसी है, लेकिन दोस्तों बीच में बैटरी ड्रेन की इशू जो हमें देखने को मिल रही थी ऑक्सीजन OS 13.1 के अपडेट के बाद, इस अपडेट में दोस्तों वैसी बैटरी ड्रेनेज की कोई भी इशू नहीं है। और अगर कैमरा की बात करें तो दोस्तों कैमरा पहले जैसा ही है, हालांकि मैं कहूंगा अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट आई है, बिकॉज पहले क्या होता था दोस्तों जो कैमरा था वो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, लेकिन अभी दोस्तों कैमरा में कंसिस्टेंसी आई है और थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कैमरा में इंप्रूवमेंट आई है। तो अच्छी बात है तो हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम जो मुझे OnePlus 11R ऑक्सीजन OS 14 बीटा अपडेट में देखने को मिले। सबसे पहली बात दोस्तों ये मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, अगर मैं होम स्क्रीन में डायरेक्टली जाता हूँ किसी ऐप से तो जो होम स्क्रीन है वो पूरा ब्लर हो जाता था, ठीक है, तो मुझे या तो लॉक करना पड़ता था फोन को या फिर बैक क्लिक करके मुझे होम स्क्रीन पर जाना पड़ता था, ठीक है, वो एक ब्लर का एक जो इफेक्ट था वो आ जाता था, तो वो एक प्रॉब्लम थी। और कैमरा ऐप दोस्तों बहुत ही ज्यादा लैगी हो चुका है, मतलब आधे टाइम दोस्तों कैमरा ऐप बहुत ही ज्यादा लैग करता है, मतलब अगर आप फोटोज भी खींचे 10-15 फोटोज आप एक साथ क्लिक करें तो वहां पर लैग होती है, या फिर आप वीडियो करना चाहते हो कभी कभार क्या होता है वीडियो मोड में जाता ही नहीं, प्रो मोड में जाता ही नहीं और पोर्ट्रेट मोड में भी कभी कभार फंस जाता है। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों मुझे देखने को मिली है कैमरा ऐप में और कभी कभार कैमरा ऐप भी क्रैश हो जाता है दोस्तों, तो ये मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। और अगर दोस्तों मैं ऑक्सीजन OS 14 बीटा की बात करूं जो मैंने पहले इंस्टॉल किया था, जो मैंने 25 दिन पहले फर्स्ट अपडेट जो इंस्टॉल किया था उसके बाद दोस्तों फोन में थोड़ी बहुत हीटिंग इशू आ रही थी, फोन बहुत ही ज्यादा लैग हो रहा था, मैंने उस वीडियो में भी पहले के वीडियोस में भी आप सभी को कहा था। लेकिन पिछले दोस्तों लगभग 3-4 दिन में 5 दिन में मुझे एक अपडेट मिला था जो कि बीटा अपडेट का और एक अपडेट था, उस अपडेट आने के बाद दोस्तों सब कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ही हद तक ठीक हो गई है। 2-4 प्रॉब्लम्स अभी भी है जो मैंने आप सभी को अभी बताया, वो सभी प्रॉब्लम्स दोस्तों अभी भी है, लेकिन जो फोन का स्मूथनेस है, परफॉर्मेंस है, ऐप क्रैश होना है, ये सब दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया, अभी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बैटरी ड्रेन भी नहीं होता है। तो ओवरऑल दोस्तों अभी जो बीटा वर्जन है वो एक बहुत ही अच्छा बीटा वर्जन है और अगर आपको इंस्टॉल करना है दोस्तों बीटा वर्जन को तो आप बेझिझक इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बात दोस्तों आप सभी को ध्यान में रखनी की ये है कि बीटा वर्जन है तो दोस्तों जरूर से कोई ऐप इनकंपेटिबल हो सकता है, किसी ऐप में हैंग वगैरह की इशू आप सभी को आ सकती है, लैग इशू आ सकती है, उसके ऐप क्रैश होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, कभी कभार फोन रीस्टार्ट भी हो सकता है, तो ये सब चीजें दोस्तों बीटा वर्जन में रहती है। लेकिन अगर आप इन सभी चीजों को साइड रखना चाहे तो दोस्तों मैं आप सभी को डेफिनेटली कहूंगा कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ऑक्सीजन
नॉइस 14 बीटा। और अगर दोस्तों आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको ऐप क्रैश वगैरह नहीं चाहिए, देन मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा आप अभी भी ऑक्सीजन 13.1 पे ही रहे। बिकॉज दोस्तों अगर आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफरेंस देखें, ऑक्सीजन 13 पे और ऑक्सीजन 14 में, सिर्फ दोस्तों हमें अभी तक लुक का डिफरेंस मिला है, उसके अलावा दोस्तों कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। आप में से बहुत लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज ऐसा ना करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।